जिला पंचायत के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। अध्यक्ष सहित 30 सदस्यों ने पद और गोपनीयता की ली शपथ। जिला पंचायत सीओ स्वप्निल वांखड़े ने पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। जिला पंचायत के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। अध्यक्ष सहित 30 सदस्यों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। जिला पंचायत सीओ स्वप्निल वानखेड़े ने पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। जिला पंचायत रीवा के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह रीवा के पद्मधर पार्क में हुआ संपन्न। जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल सहित सभी सदस्यों ने पद और गोपनीयता की ली शपथ। इस दौरान जिले के सभी विधायक रहे मौजूद। रीवा के पद्मधर पार्क में जिला पंचायत के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह का गरिमामय आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत के सीओ स्वप्निल वानखेड़े ने सभी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल ने रीवा के विकास के लिए खास तौर से गांव को शहर से जोड़ने के लिए काम करने की बात कही। उनका साफ तौर से कहना था, हम आदिवासियों के हित की योजनाएं केंद्र से प्रदेश से लेकर आएंगे और उनको रीवा में लागू करने की कोशिश करेंगे। उनका साफ तौर से मंशा थी। नीता कोल जो इस बार अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं, गांव के पिछड़े तबके लोगों के लिए काम करना, गांव को शहर से जोड़ना उनकी पहली प्राथमिकता ही होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल रीवा के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। वहीं पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल का साफ तौर से कहना है, विकास की गति को हमें धीमे नहीं होने देना है, हम मिलकर जिले के विकास के लिए काम करेंगे। इस बारे में हमने कई लोगों से बात की। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने रीवा के पद्मधर पार्क में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कराकर अपनी ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश की, जिले के सभी विधायक इस दौरान मौजूद रहे। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष सहित 30 लोगों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह को पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया गया। माना जा सकता है निकट भविष्य में जिस तरीके से रीवा में महापौर पद के प्रत्याशी ने पद्मधर पार्क में शपथ ली थी, ये शायद उसी का जवाब था। जल्दी रीवा में हमें राजनीतिक गतिविधियां काफी अलटती पलटती दिखाई देंगी। जिस तरीके से आज पद्मधर पार्क में साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचित सदस्यता में जमावड़ा रहा, ठीक उसी तरीके से जब महापौर पद की शपथ कांग्रेसियों ने ली थी, तमाम कांग्रेसी जिले के उस पद्मधर पार्क में मौजूद थे। माना जा सकता है पद्मधर पार्क निकट भविष्य में इस बात का साक्षी होगा कि दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों की किस तरीके से लड़ाई जिले में देखने में नजर आएगी। आइए आपको सुनाते हैं राजेंद्र शुक्ल पूर्व मंत्री और अध्यक्ष नीता कोल ने शपथ ग्रहण के बाद क्या कुछ कहा। के विकास के लिए अच्छा काम करूंगी और उनके लिए मैं अच्छी सड़क बनवाने का आप सबसे वादा करती हूं कि गांव का मुख्य धारा से जोड़ने का मेरा काम रहेगा। आप स्वयं भी आदिवासी हैं और ज़्यादातर आदिवासियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, इसके लिए आगे क्या कदम उठाएंगे आप? मैं आदिवासियों के लिए बढ़ चढ़ के सरकार से निवेदन करके और सारी योजना लाऊंगी और अपने रीवा जिले में सभी योजना का लागू करवाने का काम करूँगी। कार्यक्रम में आज जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी का, उपाध्यक्ष प्रणव सिंह जी का और जिला पंचायत के जितने हमारे मेंबर्स हैं लगभग 30, उनका शपथ ग्रहण का समारोह बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। हम सब ने उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। रीवा जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें ग्रामीण क्षेत्र का भी साथ ही साथ कंधे से कंधा मिला के प्रत्येक गाँव का विकास जिला पंचायत के माध्यम से ही होता है। इसलिए हम सब ये उम्मीद करते हैं कि जिला पंचायत रीवा के माध्यम से
एक एक गांव का सर्वांगीण विकास होगा और आने वाले दिनों में हम रीवा ज़िले को मध्य प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान का नंबर एक का ज़िला बनाने का जो सपना है उसको पूरा कर पाएंगे। सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं।